हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेलीप्राइम के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर को कैसे चेंज करें या फिर करंट डेट को हम कैसे चेंज करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीप्राइम के अंदर सबसे पहले अपन सीखते हैं फाइनेंशियल ईयर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको टेलीप्राइम ओपन करना है। जैसे टेलीप्राइम ओपन करेंगे देन आपको प्रेस करना है अल्ट F2। जैसे आप अल्ट F2 प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपके सामने, चेंज पीरियड। मींस अगर आपने एक ही कंपनी में 1/4/2021 और 22 में वर्क कर लिया और 22 और 23 में भी आपने अगर उसमें डेटा एंट्री कर ली है तो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ सकता है। जैसे सपोज कीजिए अभी तो 21/22 खत्म हो चुका है और अभी 22/23 चल रहा है, तो आपने अगर 22/23 में वर्क कर लिया तो सिंपली आपको डेट को चेंज करना पड़ेगा, मींस फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल चेंज करने के लिए आपको अल्ट F2 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए 1/4/2022 से 31/3/2023। जैसे भी एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों आप परचेस की एंट्री कर रहे हैं, अभी अपन यहाँ पे सेल अकाउंट में परचेस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरा परचेस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब सपोज कीजिए दोस्तों आप परचेस की एंट्री कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की एंट्री कर रहे हैं और आपको यहाँ पर डेट चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अभी मेरी यहाँ पे डेट आ रही है 31 मार्च 2023, लेकिन आपको एंट्री करनी है 28 मार्च 2023 को। तो सिंपली आपको डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है 1/4/2023, मीन्स आप यहां पर डेट चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट आपको यहां पर डालनी है। जैसे अभी अपन डालते हैं यहां पे 23/3/2023, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी यहां पर डेट चेंज हो चुकी है। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा F2 का राइट साइड में, यहां पे आप जाकर भी डेट चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना ही भूल जाते हैं दोस्तों, तो सिंपली देखिए यहां पे एक और ऑप्शन है F2 का। तो जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो ये करंट डेट चेंज होगी, लेकिन आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका टेलीप्राइम के अंदर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का या करंट डेट चेंज करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।